दोस्तों, धरती के 70% हिस्से पर पानी का कब्जा है। आज हमारे धरती पर धरती के वजन से 10 गुना ज़्यादा वजन पानी का है। मानव आबादी धरती के सिर्फ 20 से 25% हिस्से पर रहती है, उसमें भी अधिकतर पर जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां हैं। इस 20 से 25% हिस्से पर ही रहस्यों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसे में समुद्र के 70 से 75% हिस्से को तो अभी मानव संपूर्ण रूप से देख भी नहीं सका। तो आइए जानते हैं समुद्र के 5 सबसे बड़े रहस्यों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का आज से लगभग 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले हुआ होगा। दरअसल धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरी ओर इतने विशालकाय गड्ढे कैसे निर्मित हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वो एक आग का गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे बाद में समुद्र कहलाए। नंबर 2, समुद्री जीवन धरती की तुलना में कहीं गुना ज्यादा विचित्र और रहस्यों से भरा हुआ है। जहां एक ओर जहां विशालकाय वेल है तो दूसरी ओर आंखों से ना दिखाई देने वाली मछलियां या जीव भी अपना जीवन जी रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू वेल की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर है, जबकि महासागर में मौजूद सबसे छोटा जीव प्लैंकटन है। इन महासागरों के गर्मी में अद्भुत जीव जंतु, दुर्लभ पौधे और हैरान कर देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। बैक्टीरिया की 35,000 से ज्यादा प्रजातियां, वायरस की 5,000 और एक कोशिकीय पौधे की करीब 1.5 लाख नई प्रजातियां भी खोजी गई हैं। नंबर 3, शिकारी स्पर्म वेल, अंटार्कटिक स्लीपर शार्क और भी कई भयानक शार्क, विशालकाय वेल, डरावनी शक्लों वाले ड्रैगन जैसे दिखने वाली मछलियां, चमकीली मछलियां, लैंप जैसी आंखों वाली मछलियां, करीब 1 मीटर चौड़ी जेलीफिश, स्टारफिश, पारदर्शी मछली, रंग बदलने वाली मछलियां आदि हजारों मछली की प्रजातियां हैं। मछली को समुद्र का प्रमुख जीव माना जाता है। समुद्र मछलियों से भरा पड़ा हुआ है। हालांकि समुद्र में विशालकाय समुद्री सांप की लाखों प्रजातियां भी मौजूद हैं, जैसे केप साटेनो की समुद्री सांप, HMS डेडोलस की समुद्री सांप, हालिफैक्स का समुद्री सांप, प्रिंस के समुद्री सांप, मानेट के समुद्री सांप, एडेडे के समुद्री सांप, ग्लॉस्टर, ओलाउस समुद्री सांप और भी कई सारे। इसके अलावा भयानक सूंडों वाले कई तरह के ऑक्टोपस, 13 मीटर लंबा ऑर्किड यूथिस, विशालकाय एनाकोंडा और भी भयानक जहरीले सांप से समुद्र भरा पड़ा हुआ है। नंबर 4, समुद्र की गुफाएं, समुद्री लहरें, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी तरह सुरंग का मजा ले सकते हैं। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, तो धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाओं के द्वीपों पर मौजूद हैं। नंबर 5, सभी समुद्र की आवाज़ें अलग अलग होती हैं। प्रशांत महासागर को अपेक्षाकृत शांत माना जाता है तो हिंद महासागर को अशांत। कहीं कहीं समुद्र की चिंघाड़ती हुई आवाज़ होती है तो कहीं पर किसी वाद्य यंत्र के बजने जैसी, कहीं पर साय तो कहीं पर हवा का इतना जोर होता है कि हु जैसी आवाज़ उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर समुद्र की आवाज़ के पीछे कोई वजह होती है। यह आवाज़ समुद्र की पहचान होती है। वॉइस रिकॉर्डर की मदद से पता चलता है कि आवाज़ वास्तव में पानी के नीचे अंटार्कटिक मीग वेल के दांत के बजने की आवाज़ है और ये बात रॉयल सोसाइटी जनरल बायोलॉजी लेटर्स में बताई गई है। वैसे समुद्र के बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या इन रहस्यों के बारे में आप जानते थे, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।